आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के जागीरपुरी इलाके में पुलिस कर्मियों पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला जागीरपुरी मेन रोड का है, जहां पर चिकन की रेहड़ी लगाने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पुलिस कर्मी रेहड़ी लगाने के बदले पीड़ित से लगातार पैसे, शराब और मीट की मांग कर रहे हैं। दरअसल पीड़ित परिवार की कार कुछ महीने जलकर खाक हो गई थी, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ और काम भी बंद हो गया। उसी के बाद परिजनों ने जागीरपुरी मेन रोड पर अपना काम शुरू किया, जिससे वह परिवार का पालन पोषण कर सके और दो जोन की रोटी का बंदोबस्त कर सके। रोजगार का कोई साधन नहीं था, इसलिए चिकन की रेहड़ी मेन रोड पर लगाई, जिसके बाद से लगातार दुकानदार को धमकियां दी जा रही थी। अगर पैसे और शराब नहीं दिए गए तो रेहड़ी नहीं लगाने दी जाएगी। जबकि पीड़ित का कहना है कि आसपास कई अन्य रेहड़ियां लगी हैं, जिससे कुछ भी नहीं किया जाता, ना तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन लगातार उन पर पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। आंटी, क्या नाम है आपका? नीलम है। नीलम है, क्या है पूरा मामला? ये मामला है कि हमारी गाड़ी जलने के बाद हमें रोटी कमानी थी, हमें क्या करें, हम कुछ कमाते ही तो खाएंगे, तो ये दुकान हमने लगाई थी। उसके बाद ये कहते हैं आप सबके दुकान लगेगी, आपकी दुकान नहीं लगेगी। कारण क्यों नहीं लगेगी? हम अंदर करके लगा रखा, बिल्कुल अंदर के खोखे के पास, और फिर भी कहते नहीं आपकी दुकान नहीं लगेगी। उनका कहना कि ये रास्ता है, यहाँ से गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। गाड़ी में अभी भी कह के गए पुलिस वाले, कहते आपकी दुकान नहीं लगेगी, सबकी लगेगी, आपकी क्यों नहीं लगेगी? आखिर रीजन क्या है कि आप ही क्यों दुकान को टारगेट किया जा रहा है? कई बात है कि इनको कोई खाने पीने का पैसे माना तो महीना मान। अच्छा, इनका ये हम कहाँ से माने, हमारी रोटी तो चली रही है, मुर्गे के पैसे, मुर्गे बिक नहीं रहे, हम कहाँ से दे दे। तो आप पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद रहा, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? ये कह रहे लड़का जाएगा बंद करे, तुमने 100 नंबर का कॉल कर रखा है, तो अपने उसके लिए 100 नंबर कॉल करिए। क्या करें फिर, हम करेंगे नहीं 100 नंबर का कॉल? अच्छा, और बंद करेंगे, और क्या बंद करेंगे, क्यों बंद करोगे, क्या गलत काम कर रहा है? अच्छा, जो दारू बेचते हैं, जो यहाँ पे गलत काम कर रहे थे, उसको पुलिस नहीं पकड़ती है? और हमारे बच्चों कह रहे बंद करेंगे। क्या नाम है? साहिल सोनकर। साहिल, क्या है पूरा मामला? मैं यहाँ से 15 दिन चिकन की शॉप लेके बैठा हूँ, तो मेरे को बार बार दबाव डाला जा रहा है, इसको बंद कर, इसको हटाओ, यहाँ पे और भी अवैध काम हो रहे हैं। मैं जबकि दो रोटी कमा रहा हूँ, दाल रोटी खा रहा हूँ अपना आराम से, कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई दारू का कोई कुछ नहीं। सब कुछ, उससे पहले मेरी गाड़ी जल गई थी, मेरी गाड़ी में किसी बंदे ने आग लगाई थी, उसको छोड़ के मेरी गाड़ी बन रही है, मेरी गाड़ी बन रही है, इस चक्कर में अपनी छोटा मोटा चिकन का काम कर रहा हूँ, दाल रोटी मेरे घर की चल जाए, मैं भाई किसी के आगे भीख ना मांगू, या मैं कोई गलत काम में ना पड़ जाऊँ, मैं किसी नशे में ना पड़ जाऊँ, अपने माँ बाप को लेकर मैं सही चल रहा हूँ उस टाइम। तो मेरे को दबाव डाला जा रहा है, इसको बंद कर, इसको हटा यहाँ से, ये दुकान नहीं खुलेगी। और भी इस रोड पे दुकानें खुली हुई सारी, अवैध काम, अवैध दारू बिक रही है, अवैध गांजा बिक रहा है, अवैध रिक्शे की पार्किंग चल रही है सबकी, अवैध पार्किंग चल रही है सबकी, वो किसी को कोई नहीं बंद करा रहा है, अवैध लाइट चोरी हो रही है, वो किसी को कोई नहीं दिख रहा। मेरे एक सीधा था चिकन की शॉप खोल के बैठा, उसके लिए मुझे दबाव डाल के बंद करा जा रहा है। कौन है जो बंद कराने वाला, कौन है? सिंह नाम है उनका, जो पुलिस वाले वो कह रहे नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, जबकि मैं आराम से बैठ। आखिर आपको अकेला क्या है, क्यों बंद करवा? कह रहे नहीं लगेगी दुकान, मेरी दादागिरी में आके बीट अफसर हूँ, मैं नहीं लगने दूंगा तुम्हारी दुकान, सिर्फ आप ही की नहीं लगने दे रहे, मेरी नहीं लगने दे रहे, सबकी खुली हुई है जी। आखिर क्या टारगेट है, कुछ दबाव बनाया जा रहा है? किसी बंदे ने, किसी बंदे ने बोला गया है कि इसकी दुकान बंद करा, मेरा काम इससे उड़ पड़ा होगा, किसी ने बोला गया है, किसी की दुकान से मेरे को फर्क पड़ा, किस काम से मेरे को फर्क पड़ रहा है, कोई मेरे से जल रहा है, इस चक्कर मेरी दुकान बंद कराया गया, इनको पैसे खिलाए गए उस तरफ से। क्या कहो, कुछ पैसे की भी मांग होंगे है क्या? मेरे से कह रहे थे यहाँ तो इसको बंद करो, यहाँ कुछ करो इसका, डायरेक्ट कोई नहीं बोलता जी सर, पैसे के लिए कुछ नहीं बोलता, मेरे को ये कहा है इसको बंद करो, यहाँ तो आपको कराएगा, मेरे को जबरदस्ती थाने लेके जाया जा रहा है, मेरे पे कह रहे कलंदर बना के आपको बंद करेंगे, मेरे को बंद करने की धमकी दी जा रही है, मेरे को डराया धमकाया जा रहा है। अब ये बताइए कि आपके पास यहाँ पुलिस इतने आई हुई है, अब क्या कार्रवाई की हुई? सर मैं तो चाह रहा हूँ मेरे को दो रोटी कमाने दो, मैं किसी के ऊपर कुछ गलत काम नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे को दो रोटी कमा दो, आराम से बैठ के खाना चाह रहा हूँ। अब पुलिस क्या बात करी? मेरे को पुलिस कह रही थाने चलो तो आपके खिलाफ वो बनेगा कलंदर, आपको बंद करा जाएगा। तो आप किस चीज में बंद करा जाएगा? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, मेरी दुकान यहाँ पे लगने दी जाए, मैं आराम से दो रोटी कमाऊँ, दाल रोटी अपने माँ को खिला सकूँ। दुकानें लगी हुई है, वो क्यों नहीं लगी? बस ये बात हुई है, वो उल्टी सीधी गाली देने लगा यहाँ पे, कहने लगा कि हमें तो इतने से कौन गाली देने लगा, ये चिड़ गया लड़के गाली से,
पुलिस वाले आखिर गाली क्यों दिए, क्या कारण है? यहाँ नहीं लगेगा, महीना बांधो। हाँ पुलिस के महीने का पैसा दो, दारू का पैसा दो, चिकन दो, क्यों दे? तेरे से कोई कुछ ना मांग रहे, मेरे बच्चे गए माइके, मैं बच्चों को छोड़ने आया था, मैं यहाँ रुके नहीं, अल्लाह गुल्ला सुन के पुलिस वाले आए, इनका नाम क्या नाम पीछे, उन्होंने बोला भाई ये दुकान यहाँ पे नहीं लगेगी, उन्होंने कहा थी भाई क्यों नहीं लगेगी, और की भी दुकान लग रही है रोडों पे, तो उन्होंने कहा ये दुकान नहीं लगेगी यहाँ पे किसी कीमत पे भी, तो उन्होंने कहा कि अंदर करके ले, अंदर नहीं है लगेगी नहीं, या तो पक्की दुकान लो, पक्की दुकान लो, पक्की दुकान लेके लगाओ, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम रोड पे लगाते क्या, हमारे सबेरे से देख लो मुर्गा दो तीन पड़े हुए बेचने के लिए, तो इन्होंने बहसबाजी करने लगे, तो उन्होंने थाने में फोन मारा और पुलिस बुला ली इन्होंने, ठीक है? ये कह रहे दुकान नहीं लगने दो यहाँ पे, तो फिर मैंने बोला मैं कहा अगर आपकी भीड़ बढ़ती है यहाँ पे, अगर आपकी भीड़ बढ़ती है तो आप एक बात बताओ, एक इसी आदमी की दुकान क्यों उठा रहे हो, आपकी जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे 50वीं दुकान है, आप 50 में 50 पट पाओ एक साथ, जब तो आपकी बाबा होगी, आप एक आदमी को आप आगे परेशान कर रहे हो, फेंक रहे हो दुकान, ये गलत है ना, ये दिक्कत है, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, और ये आपकी जगह हम नहीं लगने देंगे, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं मैं कह रहा हूँ इस बात को, नहीं लगने दूंगा यार, ये पब्लिक का रास्ता, निकलने का रास्ता नहीं, ऐसे दे तुमने मतलब क्या, कहाँ से लाया जाए भाई, अभी अभी इन्होंने गाड़ी जली है इनकी, हमारी गाड़ी है, अभी दुकान लगाए हुए हैं, बोला है अब धक्का खोल रहे हैं सब पेशेंट देते हैं, मतलब तू सही काम कर रहा है, मैं कहा गलत काम कर, हम तो तुझे अकॉर्डिंग टू लॉ समझा रहे हैं, मतलब बंद कर बता रहे हैं दुकान बंद करते हैं, अंदर लेके दुकान खरीद के अंदर कर लेना है भाजी, मैंने 10 लाख की गाड़ी का नुकसान भराया, मेरी गाड़ी चला दी थी, फिर मैं क्या करूँ उसमें भाई, मतलब हमारी दुकान दिख रही है, मतलब ये आगे दुकान नहीं है, वहाँ आगे दुकान नहीं है, सब पे कार्रवाई करूंगा, मुकदमा ले ले भाई। अरे बाबूजी कोई समेत दारू थोड़ी बिक्री है, जहाँ बिक्री वहाँ चलता हूँ मैं लेके, वहाँ बंद करना लेके आपको, दारू समेत जहाँ बिक्री वहाँ चल रहा हूँ, पार्किंग चल रही है, चलो बैठ के चलो साथ, चलो साथ चलो जी, एक बार में एक पे कार्रवाई करूंगा, चलो भैया भी कर रहा हूँ, मेरे साथ चलो आप, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कोई बात नहीं बाबूजी, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, बंद कर देना मेरे को, क्या हो जाएगा जी, मेरी बात सुनो, अरे क्या है तू, क्या नहीं है, जो जो चोरी डकैती सब कर रहे हैं उनको कुछ नहीं देखा जा रहा, कोई बात नहीं करो जी, कोई बात नहीं, सब सब होगी, सबका होगा बंद, अवैध पार्किंग चल रही है वहाँ पे सारी, लो कोई बात नहीं, कोई करो करो भाई, बंद करो, कोई बात नहीं, बंद करो, बहुत कुत्ते, कोई बात नहीं कर दिया ना, कोई बात नहीं, गलत काम कर रहा है, कोई बात नहीं, क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ, दारू बेच रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ, क्या और कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ मैं, दारू इतने सस्ता चल रहा है, मुकदमा देंगे, चलो उनका मुकदमा देते हैं, वोट दे लिए, उनका मुकदमा देते हैं, अरे ना लगने दू, धड़क कट, कोई बात नहीं जी, अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर, अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।